नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज चौरान। आज बात करेंगे दोस्तों कि सुपर नेफियर घास को लगाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। दोस्तों जब पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सुपर नेफियर घास है, सबसे टॉप वैरायटी है, जो भी लेटेस्ट चल रही है CO6 और 7, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अब हमारे माइंड में सवाल आता है कि इसको लगाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। आज नेफियर घास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और आपको मालूम है कि हरी नारायण जी चोपड़ा साहब पहले शायद आपसे रूबरू हो चुके हैं, लेकिन आज बात करेंगे नेफियर घास को कब लगाना है, इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। काफ़ी सवाल हमारे मन में या हमारी जो फॉलोवर्स है, जो फ्रेंड्स है, उनके सामने एक सवाल बार बार घूम रहा है कि लगाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। सबसे बेस्ट टाइम तो बारिश के बाद में या बारिश में ही या बारिश के बाद का है, और वैसे पूरी साल में आप दिसंबर और जनवरी को छोड़ के कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट जो लगाने का टाइम है वो बारिश, अभी आपको पता है कि बारिश का समय शुरू हो चुका है, यानी जून जुलाई से लेकर आप अगस्त सितंबर तक आप लगा सकते हैं। तो सर्दी का कुछ इसका इफेक्ट पड़ता है किसको? एक दो महीने के लिए ये सर्दी का प्रभाव पड़ता है इस पर। क्या पड़ता है इसका? ये ग्रोथ रुक जाती है उस समय, एज इट इज जिस हालत में है ना उसी हालत में रहेगी। अच्छा, सर्दी के टाइम में इसकी ग्रोथ रुकती है 2 मंथ। आप ये बताइए कि जैसे इसका लगाने का टाइम आपने लगा दिया, लगाने से पहले इसकी क्या प्लानिंग करते हो, खेत वगैरह कैसे आप उसको तैयार करते हैं, किस लगाने का तरीका क्या आपका? इसे लगाने के लिए सबसे पहले तो खेत को तैयार किया जाता है, उसमें अच्छी कार्बनिक गोबर की खाद डाली जाती है, कहीं दीमक की शिकायत हो तो वहाँ उसमें दीमक वाली दवाई डाल के और फिर तैयार करके फिर इसको लगाया जाता है। लगाने का तरीका? लगाने का इसमें लगभग इसका 2 से 2.5 फीट की डिस्टेंस रखना पड़ता है, एक तो कलम से कलम का। अच्छा, कलम लगती है इसमें? जी। अच्छा, एक कलम से दूसरी कलम के बीच में 2.5 फीट, 2 से 2.5 फीट। अच्छा, ये इसका वो है। इतनी दूरी क्यों लेते हो आप? क्योंकि इसमें ये पेड़ बनते हैं। अच्छा, इसकी ब्रांच बनती है, ब्रांचेस फूटती है, कम से कम एक एक में 80-90 के लगभग 12 महीने में फूट जाती है। बिल्कुल, 80-90 के लगभग ब्रांच आती है, यानी आप एक नेफियर घास की कलम लगाते हैं ना, तो वो साल भर में उससे 80 से लेके 90 ब्रांच निकलती है, यानी जो आप 2-2.5 फीट का जो एक एरिया लेते हैं दो कलम के बीच में, वो साल भर में बिल्कुल कवर हो जाता है। तो ये कब तक उत्पादन करता है ये नेफियर घास? एक बार लगा दिया तो कम से कम 5-6 वर्ष अब उसे हटाएंगे तभी रहेगा वो तो। अच्छा, रेगुलर हाँ, चलते रहेगी, अच्छी मेहनत रहेगी तो ये लगातार चलता रहता है। तो इसमें जैसे आपने लगा भी दिया, सब कुछ कर लिया, तो लेकिन इसके जो और क्या 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 देखभाल करनी होती है इसकी? कोई इसमें कोई रोग वगैरह कुछ नहीं? इसमें कोई रोग नहीं आता है। अच्छा, टाइम से टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है, दीमक की शिकायत हो तो दीमक की दवाई डालनी पड़ती है, बस यही है इसमें, और कोई ज़्यादा इसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। अच्छा, पानी कितने टाइम से देते हैं आप? हम तो लगभग एक बार एक जमा हो जाए उसके बाद में लगभग 10-11 दिन से पानी दे सकते हैं। वैसे आप इसको पूरे टाइम लगा सकते हैं, पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट जो टाइम माना जाता है वो बरसात का समय सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक आप लगा सकते हैं। इस मौसम में यदि आप लगाते हैं तो जो सुपर नेफियर घास की जो कलम है वो जल्दी ग्रोथ होती है, जल्दी उसमें फुटान होती है, अच्छी ब्रांच निकलती है, इसलिए यदि आपको लगाने के यदि आपका मूड है तो ये जो टाइम है सबसे बेस्ट टाइम है, जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर के बीच में। वैसे आप साल में कभी भी लगा सकते हैं 2 मंथ छोड़ के, यानी दिसंबर और जनवरी, क्योंकि सर्दी के मौसम में ग्रोथ नहीं हो पाती है, जलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस मौसम में जो जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर का जो महीना है वो सबसे बेस्ट समय माना जाता है। और सुपर नेफियर घास के लिए सभी प्रकार की मिट्टी बेस्ट मानी जाती है, सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं, पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, अब 10 से 15 दिन में एक बार आप पानी दे सकते हैं, थोड़ी सी नमी भी होना ज़रूरी है, यदि आप रेगुलर यदि नमी बना के रखते हैं तो सुपर नेफियर घास ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और पशु के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। अभी नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि जो आपके माइंड में जो बीज वाला सवाल चल रहा है कि बीज और जो नेफियर घास की जो कलम है इनमें सबसे बेस्ट कौन सी है, और ये जो बीज वाला जो सिलसिला चल रहा है इसके पीछे क्या राज है, तो उसके नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। तब तक के लिए ओके, बाय।